चिचोली पश्चिम वन मंडल के चिचोली वन क्षेत्र की बीट आरएफ 1141 में मुखबिर की सूचना पर झिरना धाम के पास घने जंगल में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया, जिसकी सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी आर के सोन बंसी ने मौके पर पहुंचे हैं और अपनी टीम के साथ में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मृत जंगली सुअर का मांस बरामद हुआ है, तो वहीं जाल और अन्य चीजों को भी उन्होंने बरामद किया है और वन्य प्राणी अपराध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी ने बताया कि नए वर्ष की पार्टी मनाने के लिए जंगली सुअर का उन्होंने शिकार किया था। वन परिक्षेत्र चिचोली के अंतर्गत रतनपुर बीट में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कहीं शिकार हुआ है। पासा डढारी के अंतर्गत जो स्टाफ था वो मौके पर गया, वहाँ से उसने हमें सूचित किया कि सर यहाँ पे शिकार हुआ है। मैं भी अपना स्टाफ लेके मौके पर पहुँचा। मौके पर देखा तो बड़ी मात्रा में जाल, भाले इत्यादि पड़े हुए थे और सुअर 2 नग, जिसको एक सुअर को 3 भागों में काट दिया गया था। जंगली सुअर थे, सभी वन्य प्राणी हैं और उनको मार दिया गया था। एक पूर्ण रूप से था, मृत था, उसे उसके हिस्से नहीं किए थे। वहाँ पे मौके पर आरोपी लोग कुछ फरार हो गए थे। वन स्टाफ ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा और पकड़ने के पश्चात उनको पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया कि उनके साथ और भी लोग हैं जो कि आपको देखकर भाग गए। आरोपियों को और समस्त जो हथियार हैं और जाल, फंदे और मांस सुअर का, जंगली सुअर का, और जंगली सुअर जो पूर्ण रूप से था, उसको लेकर फिर परिक्षेत्र कार्यालय कैंपस में आए। इसके बाद आरोपियों से सघन पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने पूरी योजना बताई किस तरह से हमने शिकार किया। उनके द्वारा और भी आरोपियों के नाम बताए हैं जिस पर कार्रवाई की जानी है। यह लगभग 6 बजे उन्हें गिरफ्तार किया, जब पुष्टि हो गई कि इनके द्वारा शिकार किया गया है। इसके बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2951 के तहत उन्हें आरोपी बनाया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। माननीय न्यायालय के समक्ष सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई, जाल, वन्य प्राणी। इसके बाद अन्य आरोपी की तलाश जारी है।